हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। उसके लिए सबसे पहले पैन में पानी को गर्म करेंगे और पानी में थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, जिससे पालक का जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हम अच्छे से साफ करके धो के पालक के पत्तों को इसमें डाल देंगे। गर्म पानी में इसे 10 मिनट तक बॉयल करेंगे और इसे ठंडे ठंडे पानी में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पालक के पत्ते जो है वो बॉयल हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। गर्म पानी से तुरंत हम इसे ठंडे पानी में ट्रांसफर करेंगे, जिससे इसका जो बॉयलिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और इसका जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे। हमने सारे पालक को बॉयल करके उसे हमने ठंडे पानी पे निकाल लिया है। अब पालक के पत्तों को हम ठंडे होने के बाद, ठंडे पानी में डालने से तुरंत ठंडे हो जाएंगे, इसको हम पानी निकाल के मिक्सी के जार में डाल के इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। पालक और धनिया का जो कॉम्बिनेशन है पनीर में बहुत ही अच्छा होता है। अब हमने पनीर लिया है 250 ग्राम। अब इसे हम पीसेस में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से, आपको जैसे पसंद है वैसे आप काट सकते हैं। हमने इसे क्यूब शेप में काट लिया है। सारे पनीर को काटने के बाद हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम पैन को चढ़ा लेते हैं। पैन गर्म हो जाए उसके बाद हम सरसों तेल इसमें डाल देंगे। सरसों तेल जब अच्छा गर्म हो जाए, उसे धुआं निकलने लगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा, खड़े गर्म मसाले जिसमें लौंग और दालचीनी और काली मिर्च है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ते और लाल सूखी मिर्च। जब सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए, चटकने लगे, तब इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। हमने मिक्सर ग्राइंडर में प्याज को ग्राइंड नहीं किया, बल्कि मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का एक पेस्ट जो हमने तैयार किया है उसे इसमें हम डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च लहसुन काली मिर्च और जीरा भी इसमें हमने थोड़ा सा रोस्ट करके मिलाया हुआ है। सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मसालों में जब तक ऑयल ना सेपरेट होने लगे तब तक हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तेल भी अलग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे दही। पालक का जो कड़वापन है वो दही से बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। दही में ही हम डाल देंगे हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। ये सब को हम अच्छे से दही में मिला लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे, पतला कर लेंगे। उसके बाद हम टेम्परेचर जो है वो कम करके इसमें हम डाल देंगे मसाले के ऊपर और उसे हम चलाते रहेंगे, नहीं तो दही हमारी जो है वो फट सकती है। चलाते चलाते आप देखेंगे कि दही से जो घी है वो अलग होने लगेगा। इसे हम अच्छे से चला लेंगे, कम आँच करके इसे हम थोड़े से ढक ढक के भी चलाते रहेंगे। तब देखेंगे कि हमारा दही भी जो है वो अच्छे से पक चुका है। देख सकते हैं किनारे किनारे से घी जो है वो बिल्कुल ही अलग होने लगा है, यानी कि दही हमारा जो है वो पक रहा है।
आप देख सकते हैं हमारा घी एकदम ऊपर ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारा जो दही है वो बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसी स्टेज पे हम इसे अच्छे से चला के हमने ग्राइंड किया हुआ जो पालक और धनिया का जो पेस्ट है डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक पालक के ऊपर से भी ऑयल सेपरेट ना होने लगे। पालक को हमें अच्छे से भूनना होगा, तभी इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से इन्हेंस होगा। अब देख सकते हैं पालक में जो पानी है वो अलग हो गया है, तो इसे हम अच्छे से अभी पकाना, अभी और हमें भूनना होगा। धीरे धीरे चला चला के इसे हम देखेंगे। अब देख सकते हैं हमारा पालक जो है अच्छे से भुन गया है, इसके ऊपर से हल्का हल्का ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच आटा ऐड करेंगे। आटा ऐड करने से क्या होता है कि जो मॉइस्चर है पालक का वो लॉक्ड होके मेंटेन रहता है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर और भुनेंगे। हम इसे ढक ढक के पकाएंगे क्योंकि छींटे जो है वो आपको लग सकते हैं। हमारा पालक अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हमने पनीर के टुकड़े को ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से पालक में कोट कर लेंगे। पालक जो है वो पनीर के साथ अच्छे से कोट हो जाए, इसके लिए भी हम थोड़ी देर ढक देंगे, लगभग 5 मिनट। अब पनीर जो है वो हमारा अच्छे से मसालों के साथ कोट हो गया है और सारे फ्लेवर्स जो हैं वो पनीर के अंदर तक चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, घर की मलाई को थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट करके इसके ऊपर हम डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबको अच्छे से हम मिला लेंगे और हम 2 मिनट और इसे ढक के पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा पनीर कितना टेस्टी और लाजवाब लग रहा है। इसका जो स्मेल है, सुगंध, वो भी एकदम लाजवाब है। अब पनीर हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को एक अच्छी सी थम्स अप दें और इस रेसिपी को एक बार ट्राई भी करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो।